दो खुल्लम खुल्ला दुश्मनों की लंबे समय से चल रही खुफिया जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। सालों से इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। दरअसल ये जंग है इजराइल और ईरान के बीच। इसराइल की नज़र में ईरान एक ऐसा देश है जो उसे मिटाना और ख़त्म करना चाहता है और उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी है। दूसरी ओर ईरान इसराइल को अमेरिका के समर्थक और एक दुश्मन देश के तौर पर देखता है जो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसके विकास को धीमा कर रहा है। दोनों की लड़ाई एक बार फिर गहराई जब साल 2020 में ईरान के नेताओं ने अपने शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की मौत के लिए इसराइल को दोषी ठहराया, जिनकी तेहरान के बाहर एक हाईवे पर गाड़ी से जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसराइल ने फखरीजादे की मौत में शामिल होने की ना तो पुष्टि की और ना ही इससे इनकार किया। अब जानते हैं इन दोनों देशों के बीच अमेरिका का क्या रोल है। आपको बता दें कि साल 2015 में आर्थिक प्रतिबंधों से राहत के लिए ईरान ने विश्व की छह बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर ईरान न्यूक्लियर डील पर साइन किए थे। डील के कारण ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना बेहद कठिन हो गया था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में परमाणु समझौते को रद्द कर दिया गया और अमेरिकी प्रतिबंधों को बहाल कर दिया तो इसकी प्रतिक्रिया में ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी। जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान के परमाणु समझौते को बहाल करने की कोशिश की, जिसे उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया था। लेकिन इस बीच ईरान और इजराइल ने अपनी अपनी खुफिया जानकारी जारी रखी। अभी कुछ दिन पहले ईरान ने दावा किया कि वे इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद से संदिग्ध संबंध रखने वाले तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाएगा। ईरान ने उन लोगों पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि हाल के दिनों में उनके देश के अंदर कई रहस्यमय हत्याएं हुई हैं, जिनमें दो एयर स्पेस सेंटर कर्मी भी शामिल हैं जो मिशन के दौरान शहीद हुए। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक इंजीनियर भी औद्योगिक तोड़फोड़ में मारे गए। ईरान लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अब अपनी मिडिल ईस्ट की यात्रा शुरू करने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए अंतिम उपाय के रूप में सेना का प्रयोग करेंगे। जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को अमेरिकी विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची में रखेंगे, फिर चाहे इसके चलते वर्ष 2015 में हुई ईरान न्यूक्लियर डील ही क्यों ना रद्द हो जाए। ईरान लगातार समझौते के तय प्रावधानों को तोड़कर यूरेनियम शक्ति को बढ़ाने में जुटा हुआ है। समझौते के मुताबिक ईरान को केवल 3.67% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच करने की अनुमति थी, लेकिन 5% तक एनरिच यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में फ्यूल की तरह किया जाता है और 20% पर इसका उपयोग अनुसंधान रिएक्टरों या चिकित्सक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हाल ही में रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान 20% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। IAEA ने पिछले महीने रिपोर्ट में कहा था कि ईरान के पास 43 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम है जो 60% शुद्ध है। ये 90% के आंकड़े तक पहुंचने का एक छोटा कदम है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट के अनुसार अगर ईरान इससे आगे बढ़ता है तो ये घातक परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे अमेरिका इजराइल जैसे देशों को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है।